वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो, माय नेम इज शिवानी। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे अपडेट को कवर करने वाली हूँ और सेथ रॉलिंस का रिटर्न भी आपको देखने को मिलने वाला है। एक्जेक्टली क्या कुछ अपडेट है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में इन डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिश्रियो के बारे में, यानी कि आपको किन का केमिस्ट्री अभी काफी ज्यादा पसंद है। आप फ्यूचर में भी किन का केमिस्ट्री देखना चाहते हो, लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिश्रियो का या मामी और डोमिनिक मिश्रियो का? इनके केमिस्ट्री की वजह से ही आज WWE को इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जिस तरीके से लिव मॉर्गन अभी डोमिनिक मिश्रियो को इरिटेट करते हुए दिखती है, वो लिटरली काफी अच्छा लगता है देखना। वैसे आप फ्यूचर में किन का केमिस्ट्री देखना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मामी का या लिव मॉर्गन वाला। देन नेक्स्ट बात करते हैं मामी यानी कि रिया रिप्ली के बारे में। रिया रिप्ली करंट टाइम में बैकस्टेज दिखाई दी, वो भी AEW के बैकस्टेज एक शो में रिया रिप्ली को देखा गया बैकस्टेज। और रिया रिप्ली करंट टाइम में अपने हस्बैंड के साथ हैंग आउट करते हुए भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मामी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है जो कुछ भी हो रहा है WWE। अब आपको ये तो क्लियर हो जाएगा जब मामी अपना रिटर्न करेगी। तो फिलहाल तो रिया रिप्ली को लेके अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आया है, मे बी वो इस ईयर के एंडिंग में ही आपको दिखने वाली है। वैसे गाइस लिव मॉर्गन को देख के आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ प्लानिंग के लिए डोमिनिक मिश्रियो के साथ अपना केमिस्ट्री बनाने की कोशिश करी है या रियल में? अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो आपने एक चीज रॉ के एपिसोड में नोटिस किया था, जब ब्रॉन स्ट्रोमैन मारने जा रहे थे लिव मॉर्गन, तो लिव मॉर्गन की आंखों में साफ दिख रहा था कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती है डोमिनिक मिश्रियो को। धीरे धीरे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती जा रही है लिव मॉर्गन डोमिनिक मिश्रियो के ऊपर, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो सिर्फ फेक कर रही है, वो लग रहा है रियल है। इनफैक्ट इन दोनों की केमिस्ट्री देख के ड्रू मैकइंटायर को भी काफी अच्छा लग रहा है। फिलहाल ड्रू मैकइंटायर भी इनकी केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, बट पता नहीं इन दोनों के बीच फिन बैलर कहां से आ जाते हैं हर बार। मुझे लगता है फिन बैलर नहीं चाहते कि लिव मॉर्गन एकदम भी पास जाए डोमिनिक मिश्रियो की, लाइक वो हर टाइम अपने जजमेंट डे के मेंबर को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बंदा काफी जेलस है इस टाइम, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। बट डोमिनिक मिश्रियो का भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि डोमिनिक मिश्रियो क्या चाहते हैं। रॉक के एपिसोड में उनका फेस देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी इरिटेटेड है जो कुछ भी लिव मॉर्गन उनके साथ कर रही है, बट सोशल मीडिया में काफी कूल आउट दिखते हैं डोमिनिक मिश्रियो। इन दोनों की केमिस्ट्री की वजह से ही लिव मॉर्गन अभी काफी ज्यादा वायरल जा रही है, और करंट टाइम में लिव मॉर्गन का टी शर्ट भी काफी ज्यादा सेल हो रहा है उनके इन कैरेक्टर की वजह से। मुझे लग रहा है करंट टाइम में विमेंस डिवीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलर लिव मॉर्गन ही है। नेक्स्ट बात करते गाइस, आपको एक काफी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलने वाला है रोमन रिंग्स वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच। फैंस तो अभी से ही हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि इन दोनों का मैच होगा तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, जब दोनों फ्रेंड्स एक साथ भिड़ेंगे तो काफी मजा आ जाने वाला है देखने तो में। गाइस आप ऐसा समझो अभी 60% चांसेस है कि इन दोनों का मैच समर स्लैम में डेफिनेटली होगा, और मेरे प्यारे रोमन रिंग्स तो इजिली हरा देंगे ये सोलो सिकोवा बंदर को। लाइक इनके हाथ में जब से ब्लड लाइन दिया गया है तब से वो बर्बाद करके रख दिया है पूरा ब्लड लाइन। तो गाइस आने वाला भी सारा इवेंट आपको काफी इंटरेस्टिंग दिखने वाला है। रिसेंटली न्यू प्रोमोग्राफिक आउट हो चुका है स्मैकडाउन का, जो समर स्लैम के पहले वाले एपिसोड में होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है स्मैकडाउन का ये प्रोमो वाला ग्राफिक, और अभी से टिकट सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं शैमी चैन के बारे में, यानी कि करंट टाइम में शैमी चैन 60 दिन से भी ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने पास रख चुके हैं। वैसे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्लास ऑफ द कैसल में वो चैड गैम्बल को हरा पाते हैं या नहीं। अगर मैं आपको प्रिडिक्शन बताऊं तो इस मैच में चैड गैम्बल जीतने वाले और शैमी चैन हारने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जय उषा के बारे में, तो फैंस अभी काफी ज्यादा डिमांड कर रही है कि उनका एक मैच मनी इन द बैंक में हो। अब देखते हैं WWE इनका मैच किस तरह से बुक करती है मनी इन द बैंक में, बट फैंस काफी ज्यादा डिमांड कर रही है। लाइक हमेशा से ही काफी हाई डिमांड में रह रहे हैं अभी जय उषा, और उनका फेमस एंट्रेंस तो काफी ज्यादा पसंद है फैंस को। नेक्स्ट बात करते हैं कॉडी रोड्स के बारे में, क्या आपको पता है कॉडी रोड्स को अभी तक कौन कौन सुपरस्टार पिन कर चुके हैं? तो देखो 3-4 सुपरस्टार अभी करंट टाइम में कॉडी रोड्स को पिन कर चुके हैं अपने रिटर्न के बाद। एक तो द रॉक, ड्रू मैकइंटायर, रोमन रिंग्स। भले ही रोमन रिंग्स रेसलमेनिया 40 में हार गए थे, बट वो काफी बार पिन कर चुके हैं कॉडी रोड्स को। और फैंस के लिए काफी अच्छी खुशखबरी है कि CM पंक सेथ रॉलिंस का आपको जल्दी रिटर्न देखने को मिलने वाला है। 3 सुपरस्टार अभी जमकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, रोमन रिंग्स, CM पंक और सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस का भी ट्रेनिंग करते हुए वीडियो आउट हुआ है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा दे रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर के बारे में, यानी कि करंट टाइम में ड्रू मैकइंटायर टीज कर रहे हैं कॉडी रोड्स को। जब वो WWE का हेडक्वार्टर विजिट कर रहे थे उस टाइम उनको कॉडी रोड्स का एक पोस्टर दिखता है, और कॉडी रोड्स का पोस्टर देखते टाइम में ड्रू मैकइंटायर एक सेंटेंस बोलते हैं कॉडी रोड्स को लेके। उन्होंने कहा था आई विल सी यू डाउन द लाइन। तो गाइस आगे हो सकता है आपको ड्रू मैकइंटायर और कॉडी रोड्स के बीच भी एक न्यू राइवलरी देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में, तो केविन ओवेंस को हमेशा ही पेट के साथ ही देखा जाता है।
है। तो गाइस आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो केविन एवंस एक न्यू पॉपी के साथ। लिटरली मुझे भी ये छोटा छोटा क्यूट पॉपी बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट टाइम में WWE की काफी ज्यादा टिकट सेल हो रही है। अगर मैं आपको रॉ के बारे में बोलूं तो रॉ में लगभग 13,000 से भी ज्यादा टिकट सेल हो रही है अभी करंट टाइम में, जब लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिश्रा वाला केमिस्ट्री आया है। और स्मैकडाउन के बारे में बोलूं तो स्मैकडाउन का लगभग 12,000 के पार है। तो गाइस आप ऐसा देखो कि करंट टाइम में रॉ का ज्यादा वैल्यू है स्मैकडाउन से। फैंस रॉ ज्यादा पसंद कर रहे हैं देखना स्मैकडाउन से भी ज्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे प्यारे डॉमडम के बारे में, यानी कि डॉमडम ही इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा हेट मिलता है WWE में। पता नहीं क्यों बट जब जब वो WWE रिंग में आते हैं हमेशा फैंस उन्हें बू करने लगते हैं, बट उनके इसी हील कैरेक्टर को और भी ज्यादा पसंद करती है फैंस। नेक्स्ट बात करते हैं जय यशो के बारे में, यानी कि जय यशो करंट टाइम में फैंस से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके फैमिली को रेस्पेक्ट दिया जाए। जैसा कि जय यशो एनोई फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो चाहते हैं कि हमेशा उनकी फैमिली एक साथ बॉन्डिंग बना के रहे और फैंस भी उन्हें रेस्पेक्ट करते रहे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन बेकर के बारे में, यानी कि WWE मैनेजमेंट को भी लगता है कि करंट टाइम में ब्रॉन बेकर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। WWE मैनेजमेंट ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा वेरी हैप्पी विद ब्रॉन बेकर परफॉर्मेंस। तो गाइस अभी तो स्टार्टिंग है, अभी और भी ज्यादा धमाल दिखाने वाले ब्रॉन बेकर WWE में। और आज का लास्ट टॉपिक के बारे में बोलूं तो वो है रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया था सबसे यंगेस्ट एज में। और रैंडी ऑर्टन ने ये क्लेम कर दिया है कि मेरा ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, मैं 24 इयर्स में चैंपियन बना था। तो गाइस आपको क्या लगता है रैंडी ऑर्टन का रिटर्न कोई भी बंदा तोड़ पाएगा या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।